आइए मेरी रागनी होगी हरियाणा के बड़े प्रसिद्ध कवि दादा लक्ष्मी चंद जी की कलम से लिखी हुई। किस्सा भी होगा राजा मदन सेन और चंद किरण का कि जब एक फोटो बेचने वाला फोटो बेच रहा था तो उस फोटो वाले के पास में राजकुमारी चंद किरण का फोटो देख लेते हैं राजा मदन सेन। और जैसे ही राजकुमारी चंद किरण का फोटो देखा तो पागल से हो गए, दीवाने हो गए, कई रोज हो गए ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। जब ये हालत राजा मदन सेन की रानी नागदे ने देखी तो नुके लगी, पिया जी आखिर बात क्या है, कुछ तो बताओ। तनु कहते हैं राजा की रानी, जब से ये फोटो वाली औरत देखी है ना, जब से दिमाग ठिकाने नहीं है। अरे जब तक इसको पा नहीं लूंगा, अपनी रानी नहीं बना लूंगा, जब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तो रानी नागदे समझाती है, पिया जी परत्रिया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि परत्रिया तो नागण काली होती है और परत्रिया के चक्कर में जो जो आया है उसका नाश नहीं सर्वनाश हुआ है। क्या कहती है सुनिए। हेर और ढाल की शकल हुई ना पहला मियाड़ा ढंग पिया, कागज की तस्वीर देख क्यों अक्ल होगी भंग पिया, कागज की तस्वीर देख के अक्ल होगी भंग पिया। तेरे और ढाल की शक्ल हुई ना पहले मियाड़ा ढंग पिया, कागज की तस्वीर देख के अक्ल होगी भंग पिया, कागज की तस्वीर देख के अक्ल होगी भंग पिया। समझ में आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आदेश है हमारे राजेश अंकल जी का, इसी रागनी जो ये मैंने तर्ज उठाई है इसी तर्ज में रागनी अपनी रखेगी मन्नो तवर जी। आइए आइए इसी तर्ज में इसी स्वर में इसी रागनी रखती हूं। रागनी आपके बीच में खांडे राव परी के किस्से से रखना चाहूंगी। मेरी भी रागनी आपके बीच में पंडित मांगे राम जी की कलम से लिखी हुई होगी। बात वहां से होगी जब राजा वीर विक्रमाजीत सीधा सीधा प्रस्ताव खांडेराव परी से विवाह का रख देते हैं, तो कहने लगी
कि मैं तो शादी ऐसे वैसे इंसान से नहीं करूंगी, मैं तो शादी उससे करूंगी जो मेरी 16 शर्त को गाएगा। कैसे क्या कहने लगी सुनेगा रागड़ी के माध्यम से। हे रे सोला सरते पुगानी होगी हंसी खेल ही से। सोला सरते पुगानी होगी हंसी खेल ही से। एर मेरी गलिया प्या करवाना तक्का पेल ही से। सोला सरते पुगानी होगी हंसी खेल ही से। कोई हंसी खेल नहीं सफो जी, ब्याह करना कोई हंसी खेल नहीं होती। कहने लगी कि कौन कौन सी शर्तें हैं, पहली कली में सुनेगा कौन कौन सी शर्तें दादा ने गिनवाई हैं। लेकिन सब कुछ तहस नहस करवा बैठा किसके कारण, एक औरत के कारण। अगर सीता माता को उठाकर ना लाता तो ना तो लंका का नाश होता ना खुद का नाश होता। लेकिन बुद्धि पे पत्थर पड़ गए। और ये सच्चाई है कि जब इंसान का समय खराब आता है ना तो बुद्धि भी साथ छोड़ देती है। और ये बताया कि जो सुख चाहे जीव का तू चीज छोड़ दे चार। दादा किशन लाल तुम्हें तो पता ही है कि जो सुख चाहे जीव का तू चीज छोड़ दे चार। कौन कौन सी? चोरी चुगली जामनी तो और पराई नार। तन्ने भी बेरा है कि चोरी कैद कराए दे और चुगली कर दे ख्वार। और घर लुटवा दे जामनी तो सर कटवा दे नार। क्योंकि परत्रिया पैनी छुरी ये तीन जगह ते खाए। कहां कहां से? कि परत्रिया पैनी छुरी ये तीन जगह ते खाए। धन लुटे जो बन घटे और लाज कुटम की जाए। न्यू कहन लगी पिया जी ओ पति परमेश्वर वैसे तो मेरे में कोई कमी ना है और अगर तुझे दूसरी बहू चाहिए तो मैं दिलवा दूंगी, पर ऐसे फोटो वाले के चक्कर में जिंदगी मत खोवे। क्या समझाती हैं सुनिए।
चाहे था नार अहिल्या संग चंद्रमा मेल करिया चाहे था नहुस भूप इंद्र रानी के संग खेल करिया चाहे कीचक भी द्रौपदी के धर्म ने फेल करिया चाहे था ईब तलक तने देखे कोन्या मेरी रागनी याद है कौन से किस्से की चल रही थी? थोड़ा शर्त पुगानी होगी। हाँ, तेरा तो काका ढंग तो याद है। कहने लगी और भी शर्तें हैं, नहीं शादी नहीं करती मैं। कौन कौन सी शर्तें हैं? नंबर दो में सुनिएगा क्या लिखा कवि ने। भोजन जी मन भोजन जी मन हाय तेरा तो दस का न्यू लागा जाना दस हजार हो दस रुपए की मनु भोजन किस भी दे रहा है वो भोजन का नाम आया है इसने वो चाहिए दाल मखनी। अच्छा नोए नहीं मिले दस रुपए में तो आजकल अमेर तक के पूछेगा तो रण दे दस रुपए में पापड़ भी नहीं आता। आओ जब भोजन जी मन भोजन जी मन आवेगा तेरे लेके पंखा तेरे मोहर सरफी कणी मणी ते तेरी खाली जेब तोड़ूना दारू पी के लोटेगा तेरे पादा बुसरी छोड़कर बाहर धक्के खाते हैं उस मानस की कोई इज्जत नहीं हुआ करती क्या समझाने लगी। धक्के खावणिया मानस के तो गरी और बार रहे कोन्या लिखने वाले ने लिख डाले
जो तू जानता हो, सारी चीजों को जानती हूँ, न्याय नीति सारी चीज करना जानती हूँ। नंबर तीन में और शर्तें क्या गिनवाने लगी, क्या बता दिया कवि ने। समान होती है। अगर एक राजा बाप बराबर राजा ऐसे कर्तव्य करेगा तो फिर ये प्रजा क्या कहेगी। पिया जी समझाने लगी, क्या कहती है सुनिए। पर दादा 10 रुपए में बहू ना मिले आजकल। तालियां बजा दीजिए। आइए मनु तवर जी। हाँ जी दीपा जी। बोले के है, बोले जो वीर मर्द का ना तो आकरा ना, जो फर्ज हो आकरा वीर के, वो कोई भी फर्ज नहीं निभाऊ। दिन में तेरे घर पे रहूंगी फौजी, रात में रहूं भी कोन्या। इसी इसी शर्त रखती। और जुन साहब पहले बोले वो असल बाप का भी कोन्या, वो भी दो बाप का। क्या कहने लगी अंतिम कली में सुनिएगा। करे मैं उसी को बात करूं।
उगाड़ी हमी हंसी खेल रही।